राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस के अवसर पर इंडियन मीडिया सेंटर यमुनानगर के द्वारा पत्रकार मिलन व विमर्श नामक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जाने माने समाजसेवी व्यवसायी और हरियाणा सरकार के व्यापारी कल्याण बोर्ड के सदस्य राम निवास गर्ग उपस्थित थे। राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस के अवसर पर इंडियन मीडिया सेंटर यमुनानगर के द्वारा पत्रकार मिलन व विमर्श नामक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जाने माने समाजसेवी व्यवसायी और हरियाणा सरकार के व्यापारी कल्याण बोर्ड के सदस्य राम निवास गर्ग उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता वीरेंद्र त्यागी ने की। पूरे कार्यक्रम का संचालन इंडियन मीडिया सेंटर यमुनानगर के संरक्षक डॉक्टर उदय भान सिंह ने किया। मौके पर अपने विचार व्यक्त करते हुए राम निवास गर्ग ने कहा कि मीडिया के साथी अनेक विपरीत परिस्थितियों में रहकर भी अपना काम बड़ी ही मेहनत व लगन से करते हैं। कई बार मीडिया कर्मियों के ऊपर राजनीतिक कॉर्पोरेटर व अन्य प्रकार के दबाव भी आते हैं, मगर फिर भी प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक और मीडिया का नया माध्यम सोशल मीडिया के साथ ही अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हैं। उन्होंने मीडिया का आह्वान किया कि जब भी वह अपना मीडिया कर्म करे इस बात का जरूर ध्यान रखे कि उससे मानवता का कल्याण हो तथा समाज व राष्ट्र मजबूत बने। इससे पूर्व नरेश उप्पल ने कहा कि हम इस प्रकार से कार्य करें ताकि हमारी पहचान स्वयं बने। कपिल सहगल ने कहा कि आज पत्रकारों के बीच एकता की आवश्यकता है। वहीं रंजना वर्मा ने कहा कि जब हम एक और नेक बनेंगे तो निश्चित रूप से संगठित होंगे। कॉलेज की मीडिया शिक्षिका राखी खोसला ने प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया की यात्रा की जानकारी देते हुए बताया कि सभी माध्यमों की उपयोगिता बढ़ी है। वीरेंद्र त्यागी ने कहा कि इंडियन मीडिया सेंटर का एकमात्र उद्देश्य है कि सभी पत्रकार साथी साथ रहें और एक रहें, क्योंकि यह हमारी ताकत है। उन्होंने सभी साथियों से अपील की कि वह अपनी कलम और कैमरों के माध्यम से समाज में सकारात्मकता और आशावादी पहचान बनाएं। कार्यक्रम के अंत में इंडियन मीडिया सेंटर के सभी पदाधिकारियों व पत्रकार साथियों ने राम निवास गर्ग को पुष्प गुच्छ स्मृति चिन्ह व अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर संजय झा, सुशील पंडित, अंशु अरोड़ा, तिलक भारद्वाज, कुलभूषण सैनी, राहुल सिद्धि, अवतार चुग, AIPRO स्वर्ण सिंह जिनचोर सहित बड़ी संख्या में जिला के पत्रकार उपस्थित थे। राष्ट्रीय गान के साथ कार्यक्रम संपन्न हुआ। तो नहीं कहूंगा, सिर्फ एक ही बात बार बार आपसे कहूंगा कि सुख दुख में आप किसी को छोटा बड़ा मत समझे। लगे रहने के कारण थोड़ा सा विलम्ब हुए, लेकिन उन्होंने फोन करके इतने विलम्ब, ये भी एक मुख्य अतिथि फोन करके बता दे तो हमको संतुष्टि हो जाती है कि हाँ भाई। तो निवास गर्ग जी का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन। गतिविधियाँ कार्यक्रम आयोजन होते रहते हैं, श्री राम निवास गर्ग जी का उसमें तन से मन से धन से हर प्रकार का साथ सहयोग और आशीर्वाद रहता है। कुछ देख करके सम्मान जोरदार तालियां। देखिए जी, आज IMC के द्वारा राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पे कार्यक्रम का आयोजन किया गया इंडियन मीडिया सेंटर में, यहाँ पे जिला इकाई के द्वारा। तो क्या कहना चाहेंगे आज इस उपलक्ष्य में आप? बस राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस था, सभी पत्रकार भाई इकट्ठे हुए IMC के बैनर के तले और सभी ने एक दूसरे को बधाई दी, थोड़ा जश्न मनाया और जो भी एक दूसरे की जो कोई समस्या वगैरह थी वो सब ने एक दूसरे के साथ शेयर की। तो क्या निष्कर्ष क्या निकला? कुछ जैसे बातचीत भी हुई, सभी ने अपने अपने विचार यहाँ पर रखे, तो किस तरह का निष्कर्ष निकल के सामने आया? निष्कर्ष ये निकला कि सबसे बड़ा निष्कर्ष ये निकला कि IMC सभी को पाकिस्तान लेके जा रही है यहाँ से। अच्छा, क्यों बताते हैं वहाँ जी जी पाकिस्तान में जो करतारपुर साहब कॉरिडोर खुला है ना, सभी को वहाँ के दर्शन कराएंगे करतारपुर कॉरिडोर के साथ। और उसके बाद एक प्रोग्राम ये भी बना है कि काठमांडू जाएंगे, भगवान पशुपतिनाथ जी के दर्शन करके आएंगे। हाँ जी, तिलक जी क्या कहना चाहेंगे आज जो पत्रकारिता दिवस इसके उपलक्ष्य में? देखिए, आज प्रेस दिवस है और मैं अपने जितने भी प्रेस के साथी हैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो एकता देखने को मिली है, तकरीबन चाहे कोई यूनियन थी चाहे कुछ था, सब लोग एक ही मंच पर इकट्ठा हुए और एक साथ इकट्ठा हुए, मानो एक लग रहा था कि आज परिवार जो है काफ़ी बड़ा और एक ऐसा परिवार कि जिसमें एकता नज़र आ रही थी। तो यही था कि आज एकता नज़र आई है और इसी को लेकर प्रेस दिवस था और आज वो सब कुछ देखने को मिला है। क्या कहना चाहेंगे आज पत्रकारिता दिवस के उपलक्ष्य? आज राष्ट्र पत्रकारिता दिवस है और मैं सब पत्रकारों को और सभी को आज के दिन की शुभकामनाएं देती हूँ। हम सब की एकता ऐसे ही बनी रहे। कपिल जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और आज जो इंडियन मीडिया सेंटर के द्वारा जो पत्रकारिता दिवस का आयोजन किया गया है, इस उपलक्ष्य में क्या कहना चाहेंगे आप पत्रकारों को? मेरी ओर से सभी पत्रकारों को, वह इस देश की जनता हो, इस जिले की जनता हो, पत्रकारिता दिवस पर बधाई हो। और मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ कि पत्रकारों पर जो जनता विश्वास करके उनको श्रेष्ठ मानती है, आज इसी के उपलक्ष्य में आपस में आत्म मंथन हुआ है कि हम लोगों की
चुनौतियों को कैसे सामना करेंगे, उनकी समस्याओं को कैसे उठाएंगे और निष्पक्ष पत्रकारिता कैसे करेंगे। अगर हम सफल होते हैं तो भी हमारे पत्रकारिता दिवस को मनाने का उद्देश्य है पूर्ण होगा और सफल होंगे हम अपने कार्य में, किसी के दबाव में ना आकर निष्पक्षता लेके जनता की विश्वास को हम जीते और उनकी कठिनाइयों पर सरकार और जनता के बीच की कड़ी का अगर हम पूर्णतः से निर्वाह करेंगे तो यही सच्ची पत्रकारिता है। इसके ऊपर मैं सबको बधाई देता हूँ और इसीलिए आज मंथन किया गया है और ये मंथन हमारा साकार हुआ है क्योंकि हम एक मंच पर इकट्ठे हुए हैं और एकता ही हमारा बल है और इसी बल को हमेशा कायम रखेंगे। के मेंबर राखी खोसला, आप सभी को पूरे यमुनानगर वासियों को राष्ट्र पत्रकारिता दिवस और राष्ट्र प्रेस दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। और इसी उपलक्ष्य में आज इंडियन मीडिया सेंटर में एक छोटा सा कार्यक्रम रखा गया था जिसमें सभी पत्रकारों ने मिलकर अपने अपने विचार रखे और पत्रकार भाइयों से बहनों से अनुरोध किया कि इसी तरह वह एकजुट होकर आगे भी अपनी निष्पक्ष पत्रकारिता करते रहे।